अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है डूफास्टन टैबलेट के हवाले से कि डूफास्टन टैबलेट कौन कौन से अमराज में इस्तेमाल होती है और ये खवातीन के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होती है। और ये मेरी स्पेशल वीडियो उन खवातीन के लिए है जो कि अपने किसी पचीदा अमराज में से किसी एक बीमारी का भी जिक्र किसी के साथ करना नहीं चाहती, वो डरती हैं, शर्माती हैं, तो उनको चाहिए कि ये मेरी वीडियो देखें और इसको इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए और ये कोई टैबलेट मंगवा के अपना इलाज करवाएं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ टैबलेट डूफास्टन के हवाले से। डूफास्टन टैबलेट जिसके मिलीग्राम 10 है, ये इस्तेमाल होती है ऐसी पेशेंट्स, ऐसी खवातीन के जिनको एमिनोरिया का इशू रहता है। एमिनोरिया का मतलब होता है हैज की कमी, यानी कि उनको तारीख खुलकर नहीं आती या बिल्कुल ही नहीं आती। तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे ये गोली सुबह शाम, तो इंशाल्लाह उनको डेट जो है वो खुलकर आना शुरू हो जाएगी। तो उसके अलावा ऐसी खवातीन के जिनको डिसमेनोरिया का इशू रहता है, डिसमेनोरिया होता है कि तारीख जब आती है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हैज के साथ बहुत ही तकलीफ होती है और वह खवातीन पेन किलर मेडिसिन या इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं, फिर भी पेन इतनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। अगर वो डूफास्टन का इस्तेमाल करेंगी तो काफ़ी ज़्यादा पेन ख़त्म हो सकती है। तो इसके अलावा और भी ऐसी ख्वातीन के जिनको इनफर्टिलिटी का इशू है, यानी कि उनको बांझपन का मसला है, वो इस बीमारी में मुबतला है, अगर वो डूफास्टन टैबलेट का इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह बांझपन से बाहर निकल सकेंगी। तो इसके अलावा इरेगुलर साइकिल, यानी कि इनफर्टिलिटी और इरेगुलर साइकिल होता है कि जो डेट होती है वो आगे पीछे हो जाती है। अगर एक माह में यकम को आई है तो फिर अगले महीने वो 10 तारीख को आ रही है या 15 को आ रही है, 20 को आ रही है, 2-2 माह नहीं आती है, 3 माह के बाद आती है। तो उन ख्वातीन के लिए भी ये टैबलेट बड़ी ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा ऐसी खवातीन के जिनको डिसफंक्शनल यूट्रन ब्लीडिंग का इशू होता है, यानी कि उनके जो खास मुकाम से बिला वजह खून निकलता रहता है, पता ही नहीं होता कि क्यों निकल रहा है और ये कब से निकल रहा है और आए दिन दाग लगते रहते हैं, उनके लिए टैबलेट बड़ी फ़ायदेमंद है। ये आपके जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करता है और आपके यूट्रस को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ऐसी खवातीन के जिनको हैबिचुअल अबॉर्शन का इशू रहता है, यानी कि उनका हर दफ़ा हमल ज़ाया हो जाता है, हमल इस्कात होने की वजह से उनकी बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, अगर वो ये टैबलेट सेक्स करने से 3-4 दिन पहले स्टार्ट करें और लास्ट मंथ तक इस्तेमाल करती रहेंगी, इंशाल्लाह हमल ज़ाया नहीं होगा और बच्चा भी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैदा होगा। इसके अलावा ऐसी ख्वातीन के जब उनको सेक्स करते वक्त हमल तो ठहर जाता है लेकिन बच्चेदानी में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग फील होती है या बच्चेदानी की झिल्ली पे दर्द होती है या खारिश वगैरह होती है, अगर वो इस्तेमाल करेंगी तो उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा। लास्ट में आपको बता रहा हूँ ऐसी ख्वातीन के जिनमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का इशू होता है, यानी कि उनको पता है हमें डेट आएगी, उनको फील हो रहा है कि हमें तारीख आने वाली है लेकिन आती नहीं है, मेंसेस आते नहीं है, बस अंदर से उनको फील होता है कि उनको पता है कि मुझे मैसेज आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं आते। तो अगर वो इस्तेमाल करती हैं लगातार 3 से 5 दिन तक एक एक टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही हद तक बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सदका जारी समझकर आगे शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद आपको नई नई अच्छी वीडियोज़ इस तरह की आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले अगर आपको कोई इशू है, कोई बीमारी है, तो अगर आप मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना मसला बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।